कार्यक्रम जी पारंपरिक शुरुआत लाए मां सादर आमंत्रित थी क्या श्री परम आदरणीय श्री वासदेव सिद्धवानी मोही जी सा तदीप प्रज्वलित करे कार्यक्रम जी पारंपरिक शुरुआत कन उन्हन सा गड सादर आमंत्रित आहेन राजस्थान अजमेर मां पधारेल श्री ढोलन राही जी श्रीमती जानकी वासदेव मोही जी श्री मोहन गेहाणी जी श्रीमती रूप गेहाणी जी ए श्री विष्णु गेहाणी जन सा भी निवेदन आहे त कार्यक्रम जी पारंपरिक शुरुआत माता सरस्वती साईं संत हिरदाराम साहेब ए अजीम शायर नारायण श्याम जी तस्वीर जे अग्या दीप प्रज्वलित कंदा लछवानी जी सा निवेदन आहे कि कृपया असा जे मुख्य अतिथि ए अज जे कार्यक्रम जे सदर श्री ढोलन राही जी के मंच ते वठींदा अन्या रोशनी दे अज जी ये मंच रोशन आहे पहरी त असा जे मुख्य मेहमानन सा पेशा सरस्वती वंदना श्री दिलीप लालवानी जी आवाज श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्प शोभिता श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्प शोभिता श्वेतांबर धरा
मोही जी अज असा गडा नालो ही एडो मोहिंदड़ा बार बार खड़ा दिल थी थे पी उन कुछ जान कुछ रचनाओं जान मुख्य को पर कुछ रचनाओं जो मुझी जानकारी में उन्हें तजाद सुबह किथे आहे मणकू बर्फ जो ठयल चुहब में कख रेल जी पटरी मेरी ए बर्फ जो ठयल ते अवां के साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलो है उड़ीसा सरकार पारा तहांखे गंगाधर नेशनल अवार्ड भी मिलो है तो अड़ी जोरदार शख्सियत लाए जोरदार ताड़ियों असाजे न सिंधु के मंच ता ढोलन राही जी अजमेर राजस्थान में पधारा उन्होंने एक मुख्य रचना मुख्य खबर पई भारतीय साहित्य के निर्माता गोवर्धन भारती जी गीत संगीत असा आकाशवाणी में घणई वजाइंदा आयूं झिरकिया जो मोती वांगण मल जी शादी पैसो लधुम पटता घणई ये लगंदा कि ये गीत जी एतरी असा वट फरमाइश इंदी आहे त लगंदो आहे कि डाढ़ी ख्वाहिश हुई या तो मन में कि कदें अड़ी शख्सियत से मुलाकात थी तो अज मां भी पान के गर्वित महसूस थी क्या कि हु असांजे विच में न मंच ते आहिन मुझी जानकारी जी जी साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिलो अथन उन्हें जी उन्हें लाए भी जोरदार ताड़ियों असांजे अज जे सदर कार्यक्रम जे सदर श्री ढोलन राही जी लाए मुझी जानकारी डाढ़ी घट आहे ही तो जेतरी मुझी जानकारी में हुई ओतरी मां गाल बुधाई अन्या वधिक जानकारी लाए मां सादर मंच ते आमंत्रित किया श्री जगदीश छावाणी जन के पेशे सा एडवोकेट आहिन ए असां के हियर जान दींदा असां जे मुख्य मेहमान ए सदर महोदय जी दादा जन जी शायरी जी शुरुआत किथा थी जी उन जी प्रेरणा इते मौजूद आ इन वक्त जिता इन जी शुरुआत थी मां गलत न तो चवा ना दादा ता मखे ये ध्यान पर दिनी काने केना ता ता जानकारी दिनो पक्का कराइना सी जने हम गड पढ़ना होया जी त इनन जो दिल आयो के इनन का इंटरव्यू में पुछियो हो कि ता जी शायरी जी शुरुआत किथा थी त इनन पाणी उना ध्यान पर दिनी के खे कि जिनसा इनन जो दिल लगो त इनन फिल्मी जेके गाना थिंदा शेरो शायरी उन जो पेरो आदान प्रदान थियो यो भी महज इत्तफाक आ जिन जे मथा इनन जो दिल आयो वह भी गजल सम्राट जेके अर्जन साहब हुआ उन्हें भाणे की इतफाक से तो ये थींदे थींदे इन्हें लगो कि जैसे मां फिल्मी जो इस्तेमाल तो कर सकां तो छो न पांजो कुछ इनोवेशन करे पांजी एक रचना ठाए करे इन जो आदान प्रदान क्या तो वह उतां शुरुआत थी और अज जे राष्ट्रीय स्तर ते ही न अंतर्राष्ट्रीय स्तर ते जे साहित्यकार कथाकार शायर के रूप में स्थापित आन तो उन्हें जी उन्हें प्रेरणा जी अगते हली करे उन्हें जी भगनी यानी उन्हें जी अर्धांगनी के रूप में अज इतने विराजमान है इतने मौजूद आ मैं उन्होंने सभी का पेरों आमंत्रित कदम दादी जानकी वासदेव मोही साहब के सभी से उन्हें जो परिचय भी कराया गजल सम्राट अर्जन साहब जी भाणे जी वासदेव मोही साहब जी अर्धांगनी उन्होंने मंच से आमंत्रित करना चाहिंदुम वासदेव मोही साहब जी प्रेरणा उन्हें जी अर्धांगनी दादी जानकी वासदेव मोही साहब और गड में मुझी घरवारी जेको उन्हें जो सम्मान कंदी शाल सा श्रीमती प्रीति नालो खण मेल घर में भली इते इते तो वासदेव मोही साहब जे बारे में मोहन घियाणी सा घियाणी साहब तो ताके ध्यान पड़ीनी कि उन्हें हाल ही में गुजरात गौरव सम्मान हासिल थियो आ पर ये सम्मान अंतिम नाइन ये निरंतर अगते भी जारी थे लाइन छो जे इन्हें घणई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर लेवल जा सम्मान हासिल आन इनके दादा जन राष्ट्रीय साहित्य अकादमी जा कन्वीनर भी रही चुका है एडवाइजरी बोर्ड में भी रही चुका है सभी का वही गाल जै गाल इम्प्रेस थे इन आहिन सिंधी साहित्यकार यानि सिंधी साहित्यकार थे सिंधी में अंदर एक तरह से उनमें पूरी तरह से चिंता जी शराबी शराब पी करे सो नशे में थी वो तीन सिंधियत के लिए भी उनके मानू के पूरा सिंधियत थियण पवन इन भी दादा जन 25 साल लगातार दुबई में अंग्रेजी जा लेक्चर रहा और 25 साल लेक्चर रहने का भी लेक्चरार रहने का भी इन सिंधियत के जड़े हिसाब से उन्हें मतते जीवित रखो आ कथाकार के रूप में शायर के रूप में साहित्यकार के रूप में मां समझा तो अड़ा मानू घटी आन रेयर आन
ऐं इन्हनि जे बारे में कुझु चवणु याने सूरज खे ॾीओ ॾेखारण जे बराबरि आहे। मां दादा मोहन गिहाणी साहिब खे आमंत्रित कंदुमि त असांजे कार्यक्रम जा मुख्य अतिथि वासदेव मोही साहिब जंहिंजो शाल पाराए करे सम्मान कंदा। हिन मंच जी शोभा अॼु जिन सां क़ाइमु आहे ऐं जिन सां सुहिणी थी थिए पई, अॼु जो ॾींहुं असांजे लाइ इतिहास में यादगार रहंदो। बिल्कुलु दादा वासदेव मोही जो सम्मान कंदा मोहन गिहाणी साहिब। मोहन गिहाणी साहिब पाण बि कथाकार आहिनि, पाण बि साहित्यकार आहिनि, ऐं हिकु साहित्यकार जॾहिं ॿिए साहित्यकार जो सम्मान कंदो आहे त ओॾीमहिल जा क्षण कुझु अलॻि ई थी वेंदा आहिनि। 17 साल जी उमिरि में मां बि हुयुमि 17 साल जी उमिरि जो जॾहिं, तॾहिं मूंखे एतिरो कोई ज्ञान हुयो न बोध हुयो कि साहित्य छा थींदो आहे, कवि छा थींदो आहे, कविता छा थींदी आहे। स्कूल में जेको पढ़ंदासीं असांजे लाइ उहो ई शास्त्र थी वेंदो हुयो। पर हुन 17 साल जी उमिरि में अजमेर जा ढोलण राही साहब, उन्हनि जे मुताबिक़ त इहे आहे कि ईश्वर परमात्मा उन्हनि जे परमात्मा जी देन आहे, उनजो गिफ्ट आहे, जो उन्हनि जे अंदरि में हिकु साहित्य जे रूप में हिकु रुचि जागृत थी ऐं पंहिंजी तरफ़ां उन्हनि कुझु रचनाऊं अॻिते वधायूं। घणेई मंचनि ते राष्ट्रीय न सिर्फ़ु घणेई मंचनि ते उन्हनि पंहिंजी उन रचनाउनि सां ॿियनि खे सराबोर कयो आहे, आकर्षित कयो आहे। गॾोगॾु उहे बि घणेई पुरस्कार सम्मान सां, जिन जे लाइ असां पाण तलबगार हूंदा आहियूं कि असांखे कोई सम्मानित करे, पर असां चाहींदा न आहियूं, न उन लाइक़ु सम्झंदा आहियूं पाण खे। मां अहिड़े दादा जन खे सलाम थो कयां पियो जेके न सिर्फ़ु शाइर आहिनि, गॾोगॾु गायकी में बि उन्हनि जी हुनर आहे। इहा पंहिंजो पाण में हिकु वॾी ॻाल्हि आहे। पेशे सां टीचर जेके हाल ई में रिटायर थिया आहिनि, छो जे अॼु जे ज़माने में, अॼु जे दौर में माण्हू खे एतिरो टाइम न मिलंदो आहे कि इन सभु रुचिन जे बारे में टाइम कढी करे पंहिंजी पेशंस खे, पेशेंट खे जेको पेशन चइबो आहे कि मुंहिंजी हिन में रुचि आहे, हॉबी आहे, उनखे वधाए सघनि। पर हुननि जहिड़े हिसाब सां उनखे क़ाइमु रखी करे उन में ॾींहं जो ॾींहुं खुमारी उनजी उनजे जेकी धार आंदऊं, उन लाइ मां हिननि जो ॾाढो बिल्कुलु सलाम थो कयां पियो इन ॻाल्हि लाइ। ऐं हींअर जेके अॼु मुंहिंजी जॻह ते डॉक्टर विनोद असदाणी जी हुजणु खपनि पिया, कंहिं वजह करे हू न अची सघिया, पर तॾहिं बि उतां ई चवनि था, छा था चवनि त मां बि उते हुयसि। इहो कविता संग्रह उन्हनि जो आहे जंहिंजो विमोचन हींअर असां हिते कराईंदासीं। ऐं उनजे लाइ ई उन्हनि जूं ई प्रतियूं असांजे मुख्य महिमाननि जे हथों इन्हनि जो विमोचन थींदो। डॉक्टर विनोद आसुदाणी लिखियलु मां बि उते हुयसि। इन में साथ ॾियण लाइ मां सादर आमंत्रित थी कयां श्री मोहन गिहाणी जन खे बि। किताब जो विमोचन थियणो आहे। मां थोरो हस्तक्षेप कंदुमि जी। विनोद भाई साहब अॼु कार्यक्रम में अचणा हुआ, उन्हनि जो अचणु निश्चित हुयो जी। उन्हनि जे अचण जो न अचण जो के कारण आहे, अॼु उहे गोवा में हुया ऐं उते बि कविता पाठ था कनि पिया। देश भर जा 300 कवि अॼु उते इकट्ठा थियल आहिनि पिछले 5 ॾींहनि खां गोवा में। हर भाषा जा कवि आहिनि। इहो सौभाग्य आहे कि असांजे सिंधी भाषा मां 4 कवि उते उपस्थित आहिनि ऐं उन्हनि मां हिकु विनोद आसुदानी भाई साहब बि उते मौजूदु आहिनि। ऐं अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो उहो कार्यक्रम पियो थो हले। ऐं मज़ेदार ॻाल्हि इहा आहे कि उहो कवि सम्मेलन 24 कलाक में बराबरि थो हले, यानी निरंतर थो हले, किथे स्टॉपेज कान्हे को जी। त अॼु उन्हनि जो 2 बजे उहो नंबर आयो जी, त इन करे न अची सघिया। उहे कोई ॻाल्हि आहे, उहे चवनि पिया था मां बि उते हुयसि, मां हुते बि हुयसि, मां हिते बि हुयसि। त हिननि जे हिन किताब लाइ ज़ोरदार स्वागत हिन नए हिन जे कविता संग्रह जो जी। हा, असां सां गॾु आहिनि श्री ज्ञानचंद लालवानी जी, उन्हनि जे संपादक आहिनि रिश्तनि जो संसार मासिक पत्रिका जो। असांजा सभई मुख्य महिमान उन्हनि जी इन पत्रिका जो विमोचन कंदा। हा, भाभी अनुराधा लालवानी जी,
घणियूं घणियूं वाधायूं भाभी लालवानी ऐं भाई साहब लालवानी जी खे। नारायण श्याम हिकु जॻह ते लिखे थो, नारायण श्याम हिकु जॻह ते लिखे थो, अलाए कहिड़ी घड़ी हुतां निकितासीं, अलाए कहिड़ी घड़ी उतां निकितासीं श्याम, वतन वरण त परे सरहद ॾिसण बि नसीब न थी। कि वाकई एॾो उन्हनि खे पंहिंजी हिन मातृभूमि सां प्रेम हो त उन्हनि जी शायरी एॾी ख़ूबसूरत आहे, हू शख़्सियत कहिड़ी ख़ूबसूरत हूंदी। नारायण श्याम जी लिखियल वाई हींअर असां सभ खां पहिरीं ॿुधंदासीं श्री दिलीप लालवाणी जन जे आवाज़ में। राति पुठियां प्रभात ऐं दिलि मांदी थी मता, राति पुठियां प्रभात, राति पुठियां प्रभात, राति पुठियां प्रभात, राति पुठियां प्रभात, ऐं दिलि मांदी थी मता, ऐं दिलि मांदी थी मता, इन तारनि जी छांव में, इन तारनि जी छांव में, इन तारनि जी छांव में, इन तारनि जी छांव में गुज़री वेंदी रात, ऐं दिलि मांदी थी मता, ऐं दिलि मांदी थी मता, राति पुठियां प्रभात। खुलंदी निंड कलीअ जीआ, खुलंदी निंड कलीअ जीआ, खुलंदी निंड कलीअ जीआ, शांति बुलावंदी ला, ए दिलि मांदी थी मता, ऐं दिलि मांदी थी मता, राति पुठियां प्रभात, राति पुठियां प्रभात, ऐं दिलि मांदी थी मता, ऐं दिलि मांदी थी मता। सूर छॾींदा माग ते, सूर छॾींदा माग ते, सूर छॾींदा माग ते, दुखड़ा थींदा डार, ऐं दिलि मांदी थी मता, ऐं दिलि मांदी थी मता, राति पुठियां प्रभात, राति पुठियां प्रभात, ऐं दिलि मांदी थी मता, ऐं दिलि मांदी थी मता, राति पुठियां प्रभात। हर हर खाति हया,
दिल मांदी थी मता, ऐ दिल मांदी थी मता, रात पुठियां पिर भात, रात पुठियां पिर भात, ऐ दिल मांदी थी मता, इन तारन जी छाव में, इन तारन जी छाव में गुजरी वेंदी रात, ऐ दिल मांदी थी मता, ऐ दिल मांदी थी मता, रात बुठिया पिर भा, रात बुठिया पिर भा, रात पुठियां पिर भा। बाण्या रचनाओं नारायण श्याम जुही ननई यक्षुन आग दिल में लगाई, इन्हनई यक्षुन आग दिल जी विसाई। वाह वाह। इन्हनई अखियुन आग दिल में लगाई, इन्हनई अखियुन आग दिल जी विसाई, इन्हनई अखियुन आग दिल में लगाई, इन्हनई अखियुन आग दिल जी विसाई, इन्हनई अखियुन जे डिठाई झुकाया नजरूं, समूह जे डिठाई झुकाया नजरूं, समूह जे डिठाई झुकाया नजरूं, मुड़ियुस जिया, मुड़ियुस जिया नजर हुन मूता हटाई, मुड़ियुस जिया नजर हुन मूता हटाई, मुड़ियुस जिया नजर हुन मूता हटाई, इन्हनई अखियुन आग दिल में लगाई, इन्हनई अखियुन आग दिल जी विसाई, इन्हनई अखियुन। संदस गुफ्तगु जण पराहो पढ़ारो, संदस गुफ्तगु जण पराहो पढ़ारो, पढ़ारो पढ़ारो संदस गुफ्तगु जण पराहो पढ़ारो, संदस गुफ्तगु जण पराहो पढ़ारो, निगाहूं
ईअं निगाहूं ईअं ॼाण बाहुनि में आई निगाहूं ईअं ॼाण बाहुनि में आई निगाहूं ईअं ॼाण बाहुनि में आई अखियुनि आग दिल में लॻाई इन्हनि अखियुनि आग दिल जी विसाई इन्हनि अखियुनि आग दिल में लॻाई इन्हनि अखियुनि आग दिल जी विसाई इन्हनि अखियुनि हुयो रक्स में शाम हर अंग हुन जो हुयो रक्स में शाम हर अंग हुन जो श्याम हर अंग खुन जो हुयो रक्स में श्याम हर अंग खुन जो हुयो रक्स में श्याम हर अंग खुन जो निगाहूं मिलाए निगाहूं मिलाए थे जिया मुस्कराए 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 इन्हनि अखियुनि आग दिल में लगाई इन्हनि अखियुनि आग दिल जी विसाई इन्हनि अखियुनि इन्हनि अखियुनि इन्हनि अखियुनि नारायण श्याम जी हिकु ॿी सुहिणी ग़ज़ल हींअर अञा ॿुधंदासीं असां दिलीप लालवाणी जन जी आवाज में कोई सुख ले घणो रुलियो हूंदो कोई सुख ले घणो रुलियो हूंदो कोई सुख लाइ घणो रुलियो हूंदो दिलि जो सुख सुख तॾहिं बणियो हूंदो कोई सुख लाइ घणो रुलियो हूंदो दिलि जो सुख सुख तॾहिं बणियो हूंदो कोई सुख लाइ घणो रुलियो हूंदो हेॾो तूं हो अञा बि जो
हेडो तू हो न्याब जो आहे छाब ना पाहे जे उठो हूँ दो छाब ना पाहे जे उठो हूँ दो दिल जो सुख सुख तड़े बन्यो हूँ दो कोई सुख ले घड़ो रुल्यो हूँ दो मुहजी रंगते डसे थी पकतो खे मुहजी रंगते मुहजी रंगते डसे थी पकतो मुह जी रंगत डसे थी पक तो खे गुल बणण जो ख्याल थो हूँ दो गुल बणण जो ख्याल थो हूँ दो दिल जो सुख सुख तड़े बण्यो हूँ दो कोई सुख ले घड़ो रुल्यो हूँ दो शाम पखड़ी सुगंध आई किथा नीनी सादा 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 शाम पखड़ी सुगंध आई किथा शाम पखड़ी सुगंध आई किथा उसे पासे को गुल टिड़ियो हूँ दो उसे पासे को गुल टिड़ियो हूँ दो दिल जो सुख सुख तड़े बण्यो हूँ दो कोई सुख ले घड़ो रुल्यो हूँ दो दिल जो सुख सुख तड़े बण्यो हूँ दो कोई सुख ले घड़ो रुल्यो हूँ दो कोई सुख ले घड़ो रुल्यो हूँ दो कोई सुख ले घड़ो रुल्यो हूँ दो वंशिका चंदनाणी के साई हलंदी हलाई हिम्मतड़ी सदाई मुखी मोहताज कहें जो तू कडहना बनाई साई हलंदी मुखी मोहताज कहें जो
रचना लछवाणी एक मिठे आवाज़ जी धनी आहे। घणेई दफा हन मंच ते पेंजे गायकी जा हुनर पेश कया थई। अज नारायण श्याम जी एक सुहिणी रचना सा असां जे सामू आ रचना लछवाणी। पीड़ी नेंड्र में पीड़ मुटो खे पुकार
तारो खड़ी अखर तो मा प में भी निहारो खड़ी अखर तो मा प में भी निहारो पिरी पिरी निंद्र में पिड़ मुतो के पुकारो मुतो के पुकारो मुतो के पुकारो। थैंक यू। वाह, ॾाढो सुहिणी रचना नारायण श्याम जी। पहिरीं मूं पिणु निंड में पिणु मूं तोखे पुकारियो पर ख़्वाब में बि तूं मोॾे न निहारियो।